नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। YouTube चैनल रंजू की रेसिपीज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ लौकी की पापलेट, जिसे बिहार में कहते हैं कद्दू का तरुआ और गुजरात में कहते हैं दूधी का पापलेट और कई जगहों पर इसे कहते हैं कद्दू की कलौंजी। कद्दू की सब्जी खाने से बच्चे बहुत कतराते हैं, अगर लगातार 2-3 दिन बन जाए तो बड़े भी कहेंगे आज फिर कद्दू। लेकिन आज जो मैं पेश करने जा रही हूँ इसे खाकर फिर कभी नहीं कहेंगे वे आज फिर कद्दू। तो आइए जानते हैं कद्दू की पापलेट बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। लौकी की पापलेट बनाने के लिए हमें चाहिए ताजी लौकी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला और स्वाद अनुसार नमक। सॉटे करने के लिए हमें चाहिए तेल। लौकी को मैंने साफ पानी से धो के इसे पोंछ लिया है। अब हम इसे सबसे पहले छील लेते हैं। ये देख ले, कहीं भी ऐसा हो तो उसे थोड़ा सा कट कर ले इस तरह से। अब हम इसे समान मात्रा में सर्कल में काट लेंगे। लौकी को मैंने छील लिया है। अब इसे ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी काट लेते हैं। ज्यादा मोटी काटेंगे तो इसे पकने में टाइम लगेगा और ज़्यादा पतली कर लेंगे तो वो जल्दी से जल जाएगा। देखिए इस तरह से काट लें। देखिए मैंने लौकी को काट लिया है गोल गोल पापड़ की तरह, इसलिए इसे कहते हैं पापलेट। आइए अब हम इसके लिए बनाते हैं मसाले। पहले हम लेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, सब्जी मसाला 1/2 चम्मच और हल्दी पाउडर छोटे चम्मच से 1/2 टीस्पून। अब नमक लेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला। इसमें थोड़ा सा हम तेल ऐड करेंगे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब इसे हाथों से इस तरह से मिक्स कर लें। अब हम अपना फ्लेम ऑन कर लेते हैं, उस पर हम ये रख देते हैं नॉनस्टिक। हमारा मसाला तैयार है, कद्दू कटा हुआ है। जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक हम लौकी को मसाले में लपेट लेते हैं इस तरह से। ये गर्म हो गया है, 1 चम्मच तेल डालते हैं, थोड़ा सा और इसे सब तरफ फैला लीजिए इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ा गर्म होने दें, थोड़ा सा फ्लेम को फास्ट कर लीजिए।
तेल गर्म हो गया है, फ्लेम को मीडियम आंच पे कर दीजिए। अब इसमें इस तरह से लौकी को रखिए, अगर एक आ रहा है तो एक, दो आ रहा है तो दो, या तीन आए तो तीन, इस तरह से सिझाइए इसको और थोड़ी थोड़ी साइड से तेल डाल दीजिए। इसे ढक देते हैं। अब इसे ढक्कन को उठा लीजिए और इसे बीच बीच में इसे पलटते रहिए। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा तेल हम डाल देते हैं इस तरह से, और फिर से इसको हम ढक देंगे, इसे ये पक जाएगा अच्छे से। इसे उठा लीजिए ढक्कन को, अब इसे बीच बीच में पलटते रहिए इस तरह से, और फिर से ढक दीजिए। देखिए हमारी कद्दू की पापलेट अच्छे से पक गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा वाला डालेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। इसे चारों तरफ इस तरह से फैला लें। तेल गरम है, अब हम इसमें डाल देते हैं अब इसे ढक देंगे। इसे अब हम खोल लेते हैं। इसी तरह हम सारी पापलेट को बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल और साइड से ऐड कर लेते हैं और फिर से ढक के इसको पकाएंगे। हमारी दूसरी खेप भी तैयार हो गई है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारी लौकी की पापलेट तैयार है, इसे मैंने सर्विंग प्लेट में डाल दिया है। आप इसे चने की दाल और राइस के साथ लीजिए और पराठे के साथ लुफ्त उठाएं। लौकी की पापलेट बनाने की आवश्यक सामग्रियां एक बार फिर नोट कर लें। YouTube चैनल रंजू की रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भेजें, प्रश्न पूछें और शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया।